नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नम्रता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मेयोनीज बनाना बताएंगे, जो कि आप बर्गर पे और ब्रेड में लगा के खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मेयोनीज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आप यहाँ पे देखेंगे। 2 चम्मच मैंने चीनी ले लिया है, 1/2 चम्मच से कम मैंने नमक ले लिया है, 1/2 कटोरी मैंने क्रीम ले लिया है, जो कि मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था, 1/2 चम्मच से कम मैंने सरसों का पाउडर ले लिया है। इस तरीके से आप बना के ले लेंगे। 2 चम्मच मैंने राइस ब्रॉन ऑयल ले लिया है, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया है, दरदरा करके इस तरीके से आप ले लेंगे। विनेगर मैंने ले लिया है 1 चम्मच, आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे। जार में डाल के बना लेंगे। सबसे पहले क्रीम डाल देंगे, उसके बाद चीनी डाल देंगे, फिर नमक डाल देंगे, सरसों पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे। अब हम इसे बंद करके ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसमें विनेगर डाल देंगे, डाल के एक बार फिर से चला देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप मेयोनीज बना सकते हैं अपने घर पर। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। मेयोनीज हमारा बनके तैयार हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से मेयोनीज बना के आप बर्गर पर लगा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप अपने घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।